1857 का विद्रोह क्यों हुआ था? मूल कारण आजीविका। आजीविका चाहे वो कष्टकारों का हो, आजीविका चाहे वो जमींदारों का हो, आजीविका चाहे वो किसानों का हो, आजीविका चाहे वो राजे रजवाड़ों का हो, मूल कारण तो था आजीविका। जब लोगों के आजीविका पर सवाल उठना शुरू हुआ तो वो सबसे आधारभूत कारण बना 1857 के रिवोल्ट का। वही आजीविका जिस आजीविका के लिए आज देश का युवा सरकार से मांग कर रहा है, वही आजीविका जिस आजीविका के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि ना मस्जिद जानता है ना सिवाला जानता है, जो भूखा होता है केवल निवाला जानता है। इंसान के जब पेट पर बात आता है तो इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। इसी कारण से रिवोल्ट हुआ था 1857 का। उसी आजीविका के लिए आज देश का युवा सरकार से मांग कर रहा है मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी रोजगार दो। एक वो दौर था जब 1857 का विद्रोह हुआ, इसी आजीविका के लिए एक यो दौर है जो आज भी कैंपेन हो रहा, सोशल मीडिया कैंपेन हो रहा उसी आजीविका के लिए। उस दौर में अपने पास एकता का कमी था, लेकिन इस दौर में अपने पास एकता का कोई भी कमी नहीं है। उस दौर में अपने पास हथियार था, लेकिन इस दौर में अपने पास सोशल मीडिया है। अगर वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव का परिणाम एक महीने में अगर आ सकता है, तो उसी तरीके से विश्व के इस लोकतंत्र के युवाओं का एग्जाम का परिणाम भी एक महीने में आ सकता है। यहाँ पर भी अगर सरकार ये इच्छा बना ले, कमी तो है गाइस सिर्फ इच्छा शक्ति का, अगर सरकार इच्छा बना ले कि हाँ रोजगार देना है, तो एक महीने में भी एसएससी एग्जाम लेकर के रोजगार दे सकती है। क्यों ना हो, क्यों ना लोग रोजगार के लिए मांग करें। एक देश का युवा चाहता क्या है? वैसे देखो भाई, चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन एक इज्जतदार नौकरी मानना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि संविधान भी इसका हमें अधिकार देता है। संविधान क्या बोलती है? जीविकोपार्जन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन जीने के अधिकार में जीविकोपार्जन का भी अधिकार आता है, और इसी अधिकार का सहारा लेते हुए हम रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं। बोलने का अधिकार, इसी अधिकार का सहारा लेकर के लोग कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या अपने अधिकार का इस्तेमाल भी ना करें? लोग बचपन से जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, एक सपने देखते हैं कि हाँ अधिकारी बनेंगे, सरकारी अधिकारी बनेंगे, सरकारी कर्मचारी बनेंगे। क्या सपना देखना गलत है? नहीं, सपना देखना कतई गलत नहीं। बच्चे अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करें, लेकिन कब बच्चे मेहनत कर सकते हैं, मुकाम पाने का चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन मुकाम तक पहुंचने के लिए अवसर प्रदान करना ये सरकार का काम। और सरकार अगर अपने कामों को नहीं कर रही है तो ये बहुत ही गलत बात हो रहा है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतंत्र में अगर हमें चुनने का अधिकार है तो हमें नहीं चुनने का भी अधिकार है। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि अगर एक महीने में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का परिणाम घोषित कर सकते हैं, तो उसी एक महीने में उसी शिद्दत के साथ अगर काम किया जाए तो एग्जाम भी हो सकता है और रिजल्ट भी आ सकता है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबों से रिक्वेस्ट है कि 25 तारीख को, 25 फरवरी को सुबह 11 बजे हैशटैग मोदी रोजगार दो कैंपेन से जुड़िए। तो इसी के साथ दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्ति को मैं दोहराना चाहूंगा। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, जो ये सूरत है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। क्योंकि ये केवल एसएससी का बात नहीं, ये हर एक एग्जाम का बात है। आप अगर देखो पिछले सालों के रिकॉर्ड को निकाल करके, दिनों दिन हर जगह वैकेंसी कम होते जा रहा है, हर जगह कमी आते जा रहा है। क्या ये जो लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या आवश्यकता नहीं बढ़ रहा है? डिजिटलाइजेशन के दौर पर
क्या रोजगार में कमी हो जा रहा है? नहीं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, किसी भी एज में हो, ये जानना कि आज अगर आपके पड़ोसी को पीटा जा रहा है और आपको नींद आ रहा है, तो याद रखना अगला नंबर आपका है। और अगर इस बार आप सभी साथ ना दिए और इस मुहिम को सफल ना बनाए, तो हो सकता है अगला नंबर आपका है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। मिलते हैं सबों के साथ 11 बजे 25 फरवरी को #मोदी रोजगार दो ट्विटर कैंपेन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।